किसी भी महिला को कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आप क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं, इसका असर सीधा आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं तो फाइबर और आयरन से भरपूर चीज़ें डाइट में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। खून की कमी होने पर भी कई बार प्रेगनेंसी में समस्या आ सकती है, इसलिए कई महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आसान बनाने के लिए फाइबर और आयरन से भरपूर खजूर अपने डाइट में शामिल करती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि क्या आखिर प्रेगनेंसी के दौरान खजूर का सेवन करना चाहिए या नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, खजूर खाने की सलाह डॉक्टर्स तो हमेशा से ही देते आए हैं, लेकिन मेडजुल खजूर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और विटामिन B6 जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। मेडजुल खजूर आपके शरीर को एनर्जी का एक नेचुरल सोर्स प्रोवाइड करता है, जो प्रेगनेंसी से पहले आपको सेहतमंद रखने में मदद करता है। अब इसके अगर फ़ायदों के बारे में जानें तो प्रेगनेंसी के दौरान पेट से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए आप खजूर का सेवन कर सकते हैं। ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को बेहतर रखने और कब्ज़ की समस्या को रोकने में मदद करता है। खजूर आपके शरीर में रोज़ाना के आयरन की कमी को दूर करता है। साथ ही खजूर शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ाए बिना शरीर की एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं अपने ब्रेकफास्ट में एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पर शामिल कर सकती हैं। वहीं गर्भावस्था के अंतिम हफ्तों में खजूर का सेवन करने से गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने में मदद मिलती है, जो नॉर्मल डिलीवरी में मदद कर सकता है। इतना ही नहीं, खजूर में मौजूद ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्व डिलीवरी के बाद आपके रिकवरी और इलाज में मदद कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं का शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ऐसे में खजूर का सेवन कई माताओं के शरीर को ऊर्जा देने और नवजात शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। साथ ही इस खजूर में मौजूद नेचुरल शुगर और पोषक तत्व स्तनपान कराने के लिए महिलाओं के स्तन में दूध उत्पादन में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।